महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को सोमवार को देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कृत करेंगे, जिसमें लगभग 750 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे 11 पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय के हाथों से वितरित की जाएगी। शेष पुरस्कारों को राष्ट्रपति के हाथों से स्पर्श कराकर बांटी जाएगी। आपको बता दें कि संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ 4 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया था। उसके पश्चात एक सप्ताह तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को सोमवार को राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक डॉ. प्रदीप राव ने बताया। कल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अभी तक जो परंपरागत पुरस्कार वितरण और कार्यक्रम होते रहे हैं, उसके अनुसार 750 पुरस्कार वितरित होंगे, जिसमें योग्यता छात्रवृत्ति है, विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतियोगी पुरस्कृत प्रतियोगी हैं, संस्थाएं हैं, संस्थाध्यक्ष हैं, ये सब मिला के 750 होंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सभी पुरस्कार स्पर्श कर दिए जाएंगे और कुल 11 टोकन रूप में, प्रतीक रूप में वहाँ से मंच पर पुरस्कृत किए जाएंगे। कितने बजे के बाद? 10 बजे से 11 बजे, 1 घंटे का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रपति जी का है। 11 बजे के बाद पुरस्कार वितरण वाला कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, जिसमें प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी मंच पर होंगे, दोनों वाइस चांसलर होंगे और वो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आगे चलाते रहेंगे। राष्ट्रपति जी के अलावा? माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गवर्नर साहब हैं और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी हैं।